आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक रेयर इशू आ रहा है हमारे PHP माई एडमिन के साथ। अगर हम कभी कभार अपने PHP माई एडमिन को लॉग इन करते हैं तो हमारे पास एक इशू आता है। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, और जो ही मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है तो ये देखिए आप, एक इशू आ रहा है, फेल टू सेट कुकीज़। इस इशू को हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे, आप देखोगे कि ये एक इशू है। कभी कभार एक्चुअली ये होता क्या है कि हमारा जो यूज़र होता है, यहाँ पे अगर आप देखें कि जो इस वक्त मेरा यहाँ पे ब्लैक हेड यूज़र है, इसमें जो सेटिंग्स होंगे वो थोड़ा सा मतलब कि अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें यहाँ पे सेटिंग्स में फिर जाके यहाँ पे कैच चीज़ को डिलीट करना होता है, बाकी सारा हमें करना होता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, देखो जो ही हम अपना टैब ओपन करेंगे, देखो अगर मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, इस तरीके का हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं, जो कि हमने दो तीन, अगर हमारे पास गूगल अकाउंट्स होंगे तो उसमें क्या हम काम करते हैं, अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। या आप यहाँ पे भी डायरेक्टली ओपन क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, किसी भी अकाउंट में आप यहाँ पे चेंज करोगे। अब मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में जाके अपना कोई भी प्रोफाइल चूज़ करके यूज़ करूँ। सपोज़ मैंने इस वक्त यहाँ इस पे मुझे आ रहा है इशू, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे जो ही मैं यहाँ पे ब्लैक हैट हैकर यूज़ कर रहा हूँ, यही वाली अप जो है ये आईडी, या इस जीमेल से या इस आईडी से मैं जब ओपन करता हूँ अपना क्रोम, फिर मैं PHP माई एडमिन पे जाता हूँ, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला इशू आ रहा है। लेकिन जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने किसी और प्रोफाइल से, सपोज़ यहाँ पे मैं ये देखो मीर उबैद, ये वाली प्रोफाइल है, इससे मैं ओपन इस वक्त करता हूँ लोकल होस्ट। आपको क्या करना है, लिखना है खाली लोकल होस्ट लिखते हो आप, फिर PHP माई एडमिन लिखना है, ये आपको ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा, आप ये लिख भी सकती हूँ या नहीं, मैं इस वक्त यहाँ पे पोर्ट नंबर भी देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, इस तरीके से जाके यहाँ पे आपको देखो, अब जो आपके पास आया, ये जो ही आपके पास ये आया, अब आपको ये तो सेव है यहाँ पे, इसका पासवर्ड मुझे इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन पे, ये देखो आप लॉगिन हो गया है। यानी कि मसला क्या है, मसला है उस प्रोफाइल की सेटिंग्स में जो कि अभी तक थी यहाँ पे, जो हमारे पास ये देखो, अगर आप अलग अलग भी देखना चाहते हो, ये एक है, ये दूसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे इशू आ रहा है कि आपका ये जो है वो आपका इशू है। लेकिन इस प्रोफाइल में वो वाला, यानी कि मैंने सेटिंग्स चेंज नहीं की है। यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोफाइल में मैंने कुछ सेटिंग चेंज की होगी, खासकर कैचे में कुछ आया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। खासकर यहाँ पे देखो कि ये जो दिखा भी रहा है सेट कु सेशन कुकीज़ में कुछ फेल हो रहा है, उसी वजह से ये ऑप्शन आ। आपको बेहतर है कि आप अपना जो यहाँ पे आईडी है वो चेंज करके दूसरे आईडी से आप क्रोम को ओपन करें, फिर वहाँ पे लॉगिन करें, दैट इज़ बेटर ऑप्शन, कि उससे आपको ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।